1965 को पैदा होने वाले मोहम्मद रजा हारून का ताल्लुक मुतहिदा कौमी मूवमेंट से है। आपने कैनेडियन यूनिवर्सिटी से बीएससी कंप्यूटर साइंसेस की डिग्री हासिल की और आजकल बतौर आईटी मिनिस्टर सिंध अपने फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। बतौर आईटी मिनिस्टर सिंध आपने सिंध के आवाम को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोर फराहम करने का अहद किया और बेशतर प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करवाया जिनमें बहुत से अहम देही इलाकों में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फरोग शामिल है। आइए जानते हैं रजा हारून से कि वो सिंध में आईटी का क्या मुस्तकबिल देखते हैं और उसको मजीद बेहतर बनाने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं। वेलकम बैक टू जागो दुनिया, मैं हूं फारूक, मेरे साथ मौजूद हैं सुंदर और हमारे साथ जो आज की गेस्ट पर्सनालिटी हैं वो हैं रजा हारून। उनका पैकेज आपने अभी मुलायजा किया, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं आईटी के जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिंध के। रजा हारून साहब का ताल्लुक एमक्यूएम से है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, और इनके लंदन में ये काफी अरसा रहे, तकरीबन 14 साल के करीब, और उसके अलावा ये एमक्यूएम से काफी अरसे से वाबस्ता है। आइए इनसे वन ऑन वन करते हैं और पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। रजा भाई अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद सबसे पहले, क्या हाल चाल है? इट्स अ प्लेजर टू हैव यू आप कराची से स्पेशली हमारे प्रोग्राम के लिए, बहुत बहुत खुशी हुई। आपकी फैमिली में कोई पॉलिटिशियन नहीं जो सियासतदान जिसे कहते हैं जिसका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक हो? नहीं जी, बिल्कुल मिडिल क्लास वर्किंग क्लास फैमिली है, ठीक है। और हर महीने ये होता है कि तनख्वाह आएगी तो गुजारा कैसे होगा, ज्यादा जोर उसी पे होता है, मेरा भी उसी पे। मैं भी अपने आप को सियासतदान तो आज भी नहीं कहता, वर्कर हूँ। आपने पार्टी कब ज्वाइन की, कैसे ज्वाइन की, क्यों ज्वाइन? 87 में मैंने एमकेएम ज्वाइन की थी और ज्वाइन करने की वजह बड़ी सिंपल थी कि 80s के अंदर जो इस्तेहसाल हो रहा था स्टूडेंट्स का कराची में, जो डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ रही थी मुख्तलिफ हवालों से, उन्हीं में से एक विक्टिम मैं भी था। और उस दौर में मैंने ये महसूस किया कि हकूक की आवाज उठाने वाला एक ही शख्स है और वो हमारी बात कर रहा है, तो लिहाजा अब वक्त ये है कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में जाऊं और उस शख्स को सपोर्ट करूं, यानी अल्ताफ हुसैन साहब को। वो खुद उस वक्त बहुत यंग थे जब 87 में मैंने पार्टी ज्वाइन की, तो उनकी उम्र भी बहुत कम थी। आप तब 22 साल के थे? जब मैं 22 साल का था, लेकिन मैं पहला 4 अक्टूबर को हूँ। वो अमेरिकन स्टाइल में मेरी डेट लिख चुकी, तो सरप्राइज हो गई होगी, ठीक है। तो मैं खुद भी यंग था और फिलोसफी से मुतासर होकर, और ये समझ के ये साहब जो ये शख्स जो बात कर रहे हैं ये वाकई सही बात कर रहे हैं। इसलिए 92 में अल्ताफ भाई लंदन चले गए और आप भी 94 में लंदन चले गए और उसके बाद आप तकरीबन 14 साल का अरसा आपने वहां पे गुजारा। तो ये क्या मतलब अल्ताफ भाई ने आपको वहां पे बुलवा लिया था वहां जाके कि भाई आई नीड योर सर्विसेज हियर, या आप अपनी मर्जी से किसी और वजह से गए? मैं अपनी मर्जी से गया था, किसी और वजह से गया था, और प्रोजेक्ट था उससे मैं लंदन गया था, लेकिन जाहिर है मेरी अटैचमेंट मेरे कायद के साथ तो है। और 2 साल तक जो बदतरीन यहाँ रियासती ऑपरेशन शुरू किया गया था 92 में, उसके विक्टिम्स में से भी हम सभी थे। तो जैसे ही मैं लंदन पहुंचा हूँ और मैंने अपना जो जिस काम के लिए मैं गया था, वो उस काम के साथ साथ मेरा बराह रास्त रब्ता हमारा जो इंटरनेशनल सेक्रेटेरिएट था लंदन में उससे रहा, और जो कुछ भी मेरे पास वक्त होता था बचता था अपने काम से, मैं अल्ताफ भाई के साथ स्पेंड करता था, उनकी जिद्दोजहद में उनकी तहरीक के लिए काम करता थ्रू आउट साथ है। थ्रू आउट साथ एमकेएम का इमेज एज अ टॉलरेंट पार्टी, एक नॉन टॉलरेंट इमेज था इसका अर्ली 90s में, अब वो इमेज काफी चेंज हो गया, पार्टी की फिलॉसफी चेंज हुई है, हालात चेंज हुए हैं, या फिर ओवरऑल मुल्की हालात की वजह से ये इमेज चेंज हो गया? देखिए, एक वक्त वो है कि जब एमक्यूएम ने जब इमरजेंस की है, और एमकेएम की इमरजेंस की जो बड़ी वजह थी, जैसे मैंने बताया, ज्यादतियां, तासुब, हकूक का ना मिलना, उस आवाज को लेकर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट खैर तहरीक अल्ताफ हुसैन मैंने अपनी तहरीक का आगाज किया। तो जाहिर है कि बहुत ही फोर्सफुली आगाज किया जाना था, एक रिएक्शन में आई थी, नाइंसाफियों के खिलाफ खड़ी हुई थी एक यंग, आप इमेजिन करें ना कि जब अल्ताफ भाई ने एपीएमएसओ बनाई तो ही वॉज जस्ट 25 ईयर ओल्ड, 25 साल की उम्र थी अल्ताफ भाई की,
31 साल में उन्होंने जो है वो एमकेएम बना दी। तो 31 साल में तो मैं और आप कहीं क्रिकेट खेल रहे होंगे ग्राउंड में, हमारी अपनी मजल होती है। 31 साल की एज में आदमी कितना यंग, कितना एनर्जेटिक फील कर रहा होता है। 31 साल की उम्र में अल्ताफ हुसैन साहब जो है वो पॉलिटिकल पार्टी बना चुके थे, और 34 साल की उम्र में उनके नॉमिनेट किए हुए उम्मीदवार जो है वो कराची के मेयर बने और हैदराबाद के मेयर बने फारूक सत्तार साहब और अफ्ताब शेख साहब। 34 ईयर ओल्ड बंदा जो है वो एक पार्टी को लीड कर रहा है और उसके नॉमिनेट लोग जो हैं वो बन चुके हैं। और नेक्स्ट ईयर, वेरी नेक्स्ट ईयर जस्ट 35 ईयर ओल्ड, उनके लोग जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबली में भी चले जाते हैं, नेशनल में भी चले जाते हैं, सेंट में जाते हैं। प्रोग्रेस हुई है, एवोल्यूशन हुआ है। तो ये एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, उसके प्रोसेस से गुजर के आज अल्ताफ भाई की एज है, आज 26 साल हो चुके हैं एमकेएम को बने हुए, तो आज एक मेच्योरिटी जो आपको नजर आ रही है ये पार्टी की मेच्योरिटी है। तो आज हम इस स्टेज पे पहुंचे। अच्छा, इनकी गुफ्तगू से लगता है ही इज अ वेरी कूल माइंडेड पर्सन, बीइंग इन द मिनिस्ट्री, बीइंग इन पॉलिटिक्स, कैसे ये डील करते हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती है ऑब्वियसली, और जिस शोबे से इनका ताल्लुक है, जिस मिनिस्ट्री को ये संभाल रहे हैं खास तौर पे, वो तो टेक्निकल जो है डिपार्टमेंट, उस पर तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। इस पर भी सवाल करेंगे, बेहतर मैं एक कॉलर से बात कर लेते हैं, वो आपसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? दिस इज जुनैद फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। जुनैद क्या कहना चाहेंगे? मैं हारून भाई से बात करना चाहूंगा। जी कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज है? ठीक ठाक है, दुआएं आपकी, आप सुनाएं। अच्छा सर जी, मैं आई ऑलवेज वॉन्टेड टू स्पीक टू एनी बडी फ्रॉम एमक्यूएम टू डिस्कस फ्यू थिंग्स दैट आई हैड इन माई माइंड एंड हार्ट। मैं ये देखता हूँ कि बहुत ही जबरदस्त किस्म की, बिल्कुल एक ग्राउंड लेवल से स्ट्रगल की है इस पार्टी ने, और इतनी ज्यादा मुश्किलात को सहते सहते आज एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी में अपना मुकाम जो है वो कहते हैं ना कि मुझे अहले जहां कब मानते थे, बड़े जोरों से मनवाया गया हूं। तो अब जो है वो मनवा लिए गए हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी मैं ये इंतजार कर रहा था कि, मैंने ये सुना था कि 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे की खुशी में जो है वो लाहौर में जलसा होगा और पंजाब में जो है वो बड़े शोर शराबे के साथ, बड़े शबशबे के साथ जो है वो आमद होगी, लेकिन अभी तक वो उसकी कोई खैर खबर आई नहीं है, नंबर एक। दूसरा सवाल मेरा ये था कि तकरीबन महीना हो गया है अखबारात और टीवी से जो है वो मुतहदा मुझे नजर नहीं आ रही है, मतलब 18 अमेंडमेंट के आसपास भी नजर नहीं आई और किसी और इशू पे भी नजर नहीं आई, तो ये मीडिया से एक महीने की गैर हाजिरी किस वजह से रही? सही सही, थैंक यू सो मच। बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं जी। एक तो उनका ये कि 18वीं तरमीम के हवाले से इन्होंने कहा कि जी शायद एमकेएम उतनी ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इसका जवाब भी हारून भाई से लेंगे। और दूसरा इन्होंने कहा, जिस पे मैं भी बात करूंगा, कि पंजाब में स्पेसिफिकली और बलोचिस्तान और सरहद में भी, क्योंकि अल्ताफ भाई का भी बयान आया था और बाकी लीडर्स का भी, कि एमक्यूएम जो है ये नेशनल जमात है और अब हम बाकी पूरे मुल्क में इंस्टेड ऑफ बीइंग फोकसिंग ऑन कराची ओनली या सिंध ओनली, हम पूरे पाकिस्तान में जो है अपना जो है ऑफिस भी बनाएंगे, इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे, लेकिन वो अभी तक कोई एक्टिवली नजर नहीं आ रहा। और उस कैंपेन के इंचार्ज आई थिंक रजा हारून साहब हैं, से बात करते हैं। जी सर। हाँ, पहला जुनैद भाई का शुक्रिया, अच्छे कॉमेंट्स दिए। देखिए पंजाब के हवाले से, जब 14 फरवरी को हम ये करने जा रहे थे तो दो बातें हमारे सामने, इंतजामिया को हमने यहाँ दरखास्त भी दी इजाजत के लिए, तो उन्होंने दो बातें बताई कि एक तो वैलेंटाइंस डे है, जाहिर है कि हम उस शिद्दत के साथ नहीं मनाते वैलेंटाइंस डे, लेकिन यहाँ वैलेंटाइन डे का वो था, दूसरा बसंत का हफ्ता था वो। हाँ। और बसंत के हवाले से एक इशू चल रहा था कोर्ट के अंदर, तो होगी या नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी, अगर होगी तो क्या होगा, और नहीं होगी तो कोर्ट मना कर देगा पब्लिक गैदरिंग, तो उन तमाम कॉन्ट्रोवर्सीज के अंदर हम लोग पढ़ना नहीं चाह रहे थे, इसलिए हमने उसको डिले किया कि ठीक है जी कोर्ट डिसाइड कर ले, और फिर कोर्ट जब डिसाइड कर लेगा तो हमें पोस्टपोन कर लेने में कोई मसला नहीं है, कोई याद नहीं है, नई डेट आ सकती है। और शायद मैं पंजाब इसीलिए आया हूँ इस दफा कि आज शाम को मैं नई डेट का अनाउंस करके जाऊं, और पर्टिनेंट सवाल हो गया तो इंशाल्लाह 25 अप्रैल को हमारा प्रोग्राम है और आज हम उसको फाइनलाइज फॉर्मलाइज करेंगे। दूसरा जो उनका सवाल है कि मीडिया से गायब हो, मैं तो कॉन्ट्रेरी जुनैद भाई, इतने लोग हमें ताने देते हैं कि हर वक्त मीडिया पे बैठे हुए होते हैं, कोई चैनल घुराओं में तैयार है, कोई ना कोई बंदा जो है मीडिया पे बैठा हुआ मिनिस्टर या लीडर जो है वो उसको प्रेजेंट कर रहा है। 18वीं तरमीम का जहां तक मामला है, 18वीं तरमीम में अगर आपको याद हो तो 13 जनवरी 2009 को एमपीएम ने ही 18वीं तरमीम का बिल जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का जमा कराया था कौमी असेंबली में, तो ये सारा का सारा स्पेयर हेड एमकेएम का किया हुआ है और एमकेएम के लोगों ने तजावीज लिख कर दी थी, और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब का और हैदराबाद रिजवी साहब का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर, और वो नजर भी आए हैं। हाँ, 18वीं तरमीम के हवाले से बहुत ज्यादा डिबेट टीवी पे हमने भी नहीं देखी, इसलिए हमारे लोग भी ज्यादा नजर नहीं आए, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ इनॉर्मस है, इमेंस है, और मुबारकबाद देनी चाहिए सबको। नो डाउट, हमारे पास जो है पहली दफा हम ये देख रहे हैं, किसी की बात है
किसी मामले पे तो हमारा कंसेंस है कि हम मान गए, चले हमने ये भी किया कि इख्तलाफात किए लेकिन मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कौम के लिए खुशखबरी है और सबके लिए नहीं, नो डाउट अबाउट इट। अच्छा